जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है, लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की यह सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है।